ये मरने वाला जवान हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध में सरकार जा चुकी है और कह रही है सीसीए कंडक्ट रूल का हवाले दे रही है, एनपीएस का हवाले दे रही है। जब वो एनपीएस लागू ही नहीं होता तो फिर कैसे लागू किया गया अर्थसंकल्प पे? मुद्दा है आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया का और मुद्दा है लोकसभा स्पीकर के पद का तथा देश के नेताओं का जिनको पेंशन है। लोकतांत्रिक ढंग से जीतने के बाद नेताजी वर्चस्व कायम रहता है क्षेत्र में, हिम्मत नहीं है नेताजी के विरुद्ध बोल दे, और नेताजी को तनख्वाह के साथ साथ पेंशन भी है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी लोकसभा स्पीकर की चर्चा पूरे भारतवर्ष में है, होगा भी क्यों नहीं, भारत के पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर के रूप में आदरणीय माननीय ओम बिरला जी चुने गए हैं, दोबारा वो लोकसभा स्पीकर बने हैं। अब चर्चा है तनख्वाह की और पेंशन की, अन्य भत्ता की। 1954 के तहत और संशोधन 2010 के तहत वेतन भत्ता में बड़ा बढ़ोतरी है। लोकसभा स्पीकर बनने पर 1,00,000 का वेतन मिलता है, उसके साथ संसदीय क्षेत्र के लिए अलग से उनका जो है वेतन निर्धारित है 70,000 रुपए पर माह, तथा परिवार के लिए पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। अब वीआईपी ट्रीटमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, वीआईपी ट्रेन फ्री, हवाई जहाज फ्री, देश विदेश यात्रा फ्री उनके पूरे परिवार के लिए होता है, और हटाए जाने के बाद भी ये तमाम सुविधाएं लागू रहती है, फोन का बिल भी फ्री है। और ये बात इसलिए हो रही है कि चर्चा होनी चाहिए, पेंशन को लेकर चर्चा है। लोकसभा स्पीकर के पद से हटाए जाने के बाद पेंशन 20,000 रुपये मिलता है तथा अन्य भत्ता में 2,200 रुपये का अलग बढ़ोतरी मिलती है तथा अन्य उस पर और चीजें हैं, अगर दूसरी बार बने हैं तो उसमें भी बनता है पेंशन। आप देखिए ना, गजब कहानी ट्विस्ट हो रहा है। ये पेंशन की बात क्यों छेड़ रहे हैं, ये पेंशन वही है जिस पेंशन से किसी भी व्यक्ति के अंतिम समय में, मतलब 60 साल के बाद का जो कार्यकाल होता है उसके कार्यकाल के बाद जो पेंशन मिलता है उससे उनके जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। अब जीवन कैसे बेहतर होता है, कोई बहू है तो अपने ससुर जी का बड़ा सम्मान करती है कि पेंशन उठा रहे, खाना 2 रोटी ज़्यादा देती है, दूध पिलाती है कि जिए और पेंशन हम उठाएं। लेकिन यही देश के अर्धसैनिक बल की बात की जाए, कोई गोदी मीडिया इस पर बात करने को तैयार नहीं है। अभी चर्चा का विषय बना है लोकसभा अध्यक्ष जी का पद, और अब पद नियुक्त हो गया तो तनख्वाह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश के लिए मरने वाला जवान हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध में सरकार जा चुकी है और कह रही है सीसीए कंडक्ट रूल का हवाला दे रही है, एनपीएस का हवाला दे रही है। जब वो एनपीएस लागू ही नहीं होता तो फिर कैसे लागू किया गया अर्थसंकल्प पे? मुद्दा है आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया का और मुद्दा है लोकसभा स्पीकर के पद का तथा देश के नेताओं का जिनको पेंशन है। लोकतांत्रिक ढंग से जीतने के बाद नेताजी वर्चस्व कायम रहता है क्षेत्र में, हिम्मत नहीं है नेताजी के विरुद्ध बोल दे, और नेताजी को तनख्वाह के साथ साथ पेंशन भी है। पेंशन जब वो हार जाते हैं तो पेंशन के भागीदार होता है वो, चाहे एक दिन का क्यों ना हो। जैसे केरला के अभी जो नवनिर्वाचित जो है सांसद बने थे वो छोड़ के चले गए, पद ऑफर था मंत्री का, छोड़ के चले गए और वो छोड़ दिया, बोला हम फिल्म ही करेंगे, और वो एक दिन के लिए जीत के अगर आ गए तो पेंशन के हकदार है। लेकिन देश का अर्धसैनिक बल के जवान 60 साल नौकरी करने के बाद उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ना ही उसे पेंशन है, ना ही एक्स सर्विसमैन है, और मरने पर तो उसे शहीद तक का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है क्योंकि वो शहीद है ही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र उसे सम्मानित किया जाता है। ये बात मृत्यु प्रमाण पत्र और शहीद प्रमाण पत्र का क्यों आ रहा है, ये बात इसलिए आ रहा है कि आर्मी की तरह देश के अर्धसैनिक बल के पास आर्टिलरी, बीएसएफ के पास हथियार, सेम आर्मी की तरह, लेकिन उनको पेंशन नहीं। और यहीं पे दूसरी तरफ नेताओं जी को पेंशन और तथा देश के आर्मी एयरफोर्स को पेंशन। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना शोभा दिया था, क्या लोग अर्धसैनिक बल के पेंशन पे चाबू चला के क्या साबित करना चाह रहे हैं? अर्धसैनिक बल के जवान जो दिन रात लगे रह रहे हैं बॉर्डर पे, अब तो सुनने में आ रहा है कि स्पेशल फोर्स के रूप में सीआरपीएफ काम करेगी जम्मू कश्मीर में, एक नया फोर्स का निर्माण किया जाएगा जो टेररिस्ट हैं उनको खोज खोज के मारेंगे। अब ये बताइए, वेतन भत्ता अलग तरीके से दिया जा रहा है, आर्मर्ड फोर्स इंडिया के तौर पे वेतन भत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में बैठने वाला लोग वीआईपी सिक्योरिटी के साथ, वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ, वीआईपी तमाम सुविधाओं के साथ तनख्वाह, वेतन और भत्ता की बात होती है, संशोधन होता रहता है, जितने बार जीतेंगे अलग पेंशन मिलेगा, और इसमें अनेक प्रकार के प्रावधान है। लेकिन देश का जवान जितने बार
इनकाउंटर करेगा, जितने बार आरोपी करेगा, एलआरपी करेगा, एसआरपी करेगा, उसके पेंशन तनख्वाह की बात करना ही गुनाह। ये बात इसलिए हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाना शोभा दिया था? क्या देश के जवानों को पेंशन ना देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या देश के जवानों को रोड पे लाके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या देश के अर्थ नहीं बल्कि मोराल को डाउन करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? कौन है ये लोग जो लोग देश के अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं, देश की बात ही नहीं करते हैं? ना देश की कर्मचारी की बात करते हैं, ना देश के किसान बच्चों, किसान के परिवार की बात करते हैं, ना किसान के बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, ना तथा अन्य सुविधाओं में बात करते हैं। दिल्ली में ऐसे ऐसे स्कूल है जिसको तोड़ के मॉल बना दिया गया। ये बात इसलिए हो रही है कि नेताओं का जो शब्द लगा है, क्या वो नेताजी क्या सामाजिक है या सामाजिक थे या सामाजिक नहीं है? नेताजी को पेंशन तनख्वाह वेतन भत्ता की बात खूब चर्चों पे नेता जी की चर्चा जो है गोदी मीडिया कर रही है, लेकिन देश के कर्मचारियों की चर्चा क्यों नहीं? देश के अर्धसैनिक के पेंशन प्रमोशन तथा अन्य भत्तों की चर्चा क्यों नहीं? देश के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तनख्वाह में इतनी बड़ी विसंगतियों को लेकर चर्चा क्यों नहीं? देश के अर्धसैनिक के अधिकारियों को 17,500 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एंड अलाउंस मिला था, अधिकारियों को जवान को एसओज को 9,000 और जवान को 5,600, उसकी चर्चा क्यों नहीं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री के बारे में बात क्यों नहीं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के प्रमोशन टाइम टू टाइम की बात क्यों नहीं? बात है नेताजी की, किसको क्या मिला, किसको क्या मिला, किसको क्या मिला, इसकी बात होगी, लेकिन जवानों की बात नहीं। क्या आप चाहते हैं देश के अर्धसैनिक बल को पेंशन लागू हो? तो इस पे भी थोड़ा चर्चा करें। गोदी मीडिया से हाथ जोड़ के विनती है, आप जितना चमचागिरी करके टीआरपी कमा रहे हैं ना, आपकी टीआरपी धरी की धरी रह जाएगी जिस दिन ग्राउंड में हमारे जैसा युवा उतर जाएगा। चिंता ना करिए, देश के जवानों के लिए काम करते हैं, ठोक के करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। देश के जवानों का पेंशन लागू हो इस पे और स्पीकर साहब के पेंशन की बात, दोनों को उठा के एक जग तुल मिल करते हुए, क्या देश के जवानों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देश के जवानों को पेंशन पे कोई भी विसंगतियों पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर चाहते हैं कि देश के जवानों को पेंशन मिले, चाहते हैं देश के युवाओं को रोजगार मिले और देश के किसानों की तमाम सुविधा मिले, तो वीडियो जरूर लाइक करिए और कमेंट करते हुए शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, एक एक ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि देश में आज भी ईमानदारी निष्ठापूर्वक कूट कूट के देश के युवाओं में और लोकेश कुमार सिंह जैसे व्यक्ति में भरी हुई है, जो देश के मूलभूत सुविधाओं को लेकर, देश के कर्मचारियों को लेकर, देश के किसान के लेकर, देश के युवाओं के लेकर बात ठोक के करेगा। ना ये बिकता है ना बिकेगा, देश के लिए जीता है, देश के लिए अपनी बात को रखेगा। अगर चाहते हैं कि देश के कर्मचारियों को और अर्धसैनिक बल को पेंशन मिले, तो एक बार जरूर अपना कमेंट करें और शेयर जरूर करें, कम से कम 10 लोग करें। चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबा दें कि रोज जरूर आपको वीडियो मिलता रहेगा देश हित के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, प्रणाम।